सर, बिजली के खंभे भी हैं, बिजली की तारें भी हैं, पीटीसीएल के खंभे भी हैं। जब विंड की स्पीड तेज हो या जब बारिश इस तरह की होती है तो वो भी गिरते हैं। तो खुदा ना खास्ता हम क्यों दावत दे रहे हैं कि हम अननेसेसरी अपने मूवमेंट्स करें और अननेसेसरी हम रोडों में निकले ताकि हम लोग जो है अपनी जान को भी खतरा पेश कर पैदा करें और दूसरों को भी करें। लोग सर तफरी के लिए भी, क्यों बारिश हो रही जी चले बारिश देखने की तफरी के जाए, तो खुदा रहा सख्ती से मना किया गया कि कोई भी तफरी के लिए सी व्यू का रुख या इस तरह का ना करे, क्योंकि इन जगहों पर लोगों की जो रश होती है उससे ट्रैफिक की न्यूसेंस उसमें पैदा होती है। सर माहीगीरों को बहुत पहले से वार्निंग दी गई थी और जो कई माहीगीर फिर भी फंसे हुए थे तो उनको नेवी ने और कोस्ट गार्ड ने उनको जो है वो रेस्क्यू किया है। और अभी भी माहीगीरों को भी मना किया गया, लेकिन आम शहरी को मना, शहरी को मना किया गया कि बराए मेहरबानी हुकूमत के साथ तावन करें। मेरी अपील होगी सिंध भर के लोगों से कि बराए मेहरबानी आप लोग हुकूमत के साथ तावन करें। हुकूमत आपको जो डायरेक्शन दे रही है आपके भले के लिए दे रही है और हुकूमत राउंड द क्लॉक मौजूद रहेगी। सर पूरी सिचुएशन को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और सब जितने भी वज़रा, हर आदमी इसको पर्सनली इसको मॉनिटर भी कर रहा है। मैंने जिस तरह कहा कि हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन हम सब ने आवाम के तावन के साथ मिलकर ही इस आफत से भी इंशाल्लाह खैर से हमने छुटकारा लेना है। मैंने जैसे कहा कि खुदा ना खास्ता वो हाल ना हो और अल्लाह करना हो जो 99 में हुआ जिसमें 6000 लोग मिसिंग हुए, तो हम सबको दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला के दरबार पे भी हमें ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला कि ये जो आफत है ये खैरियत से टल जाए और हम ह्यूमन लाइफ को ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकें, उनको बचा के रख सकें। थैंक यू वेरी मच सर। जारी कर दिया गया है कि तूफान के बाइस तेज हवाएं और बारिश चल सकती हैं। शहरियों को ये बात कही गई है कि वो एहतियाती तदाबीर बरतें और वो घरों से ना निकले बिला फायदा। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि माहीगीरों के लिए भी कोस्ट गार्ड्स के जितने भी अहलकार हैं उन तमाम को रेडी रखा गया है और माहीगीरों को भी मना कर दिया गया है कि वो समंदर में ज्यादा ना जाए। ऐसा कहना था सूबाई सिंध असेंबली में शर्जील मेमन का, जो कि सारे ख्याल कर रहे थे।